डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ सपरेशन एनजाइटी डिसऑर्डर सो वेन वी टॉक अबाउट द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ सपरेशन एनजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डायग्नोस्टिक क्राइटीरिया मोर इन डेप्थ सो डायग्नास्टिक फीचर के अंदर वो बात करता है कि बेसिकली जब मेजर अटैचमेंट फिगर्स जो हैं उससे बच्चा जब सेपरेट हो रहा होता है तो इट मे पॉसिबल कि जो बच्चा है वो कुछ और सिम्टम्स भी एग्जिबिट करे जिसके अंदर सोशल विड्रॉल हो सकता है एपैथी हो सकती है सैडनेस हो सकती है और डिफिकल्टी इन कंसनट्रेशन ऑन वर्क और प्ले हो सकता है तो सिर्फ यही नहीं है कि वो सिर्फ क्राई करेगा या वो टेपर टेंट्रम शो करेगा या वो क्लंगिंग बिहेवियर शो करेगा उसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि इस किस्म के जो सिम्टम्स हैं वो बच्चे के अंदर एक्जिबिट होना शुरू हो जाए ठीक है देन सम इंडिविजुअल्स बिकम होमसिक भी हो सकते हैं और दे फील दैम सेल्फ वेरी मच अनकम्फर्टेबल बिकॉज दे बिकॉज वेन एवर दे आर थिंकिंग दैट दे विल बी अवे फ्राम द होम यानी वो इतने को मेजरेबल uh, पिक्चर अपनी पोर्ट्रेट करेंगे कि अगर वो घर से दूर होंगे कि दैट लुक्स लाइक के दे आर रियली इन सच आ मिजरी तो इस किस्म की जो सप्रेशन है उसका एलिमेंट जो है वो भी आपको उसके अंदर uh, नज़र आएगा देन जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि जो सप्रेशन एनजाइटी डिसऑर्डर होता है उसके अंदर बच्चे आम तौर पर स्कूल जाने से रिफ्यूज़ कर देते हैं इसको आप यूँ भी समझ सकते हो कि अगर बच्चा जो है आ, वो सुबह उठा है और उसके पेरेंट्स ने उसे कहा है कि उसको स्कूल जाना है तो माइट बी कि वो एक्जबिट करना शुरू कर दे आ, कुछ और सिम्टम्स जैसा फिज़िकल पेन्स, एक स्टमक पेन वॉमिटिंग इस किस्म की सिचुएशन और इसी तरह जब हम बात करते हैं कि बच्चा जो है वो मिज़रेबल फील करता है अवे फ्रॉम द होम तो इसका मतलब ये भी है कि अगर वो अपने किसी रिलेटिव की तरफ भी गया है रात को रुकने के लिए या अगर उसने किसी स्कूल ट्रिप के साथ भी जाना है कहीं बाहर तो वो उस चीज़ को सोच के ही एंटिसपेटेड जो इन्जाइटी है वो वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा और उसको लगेगा कि वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा तो इस वजह से जो है वो उसका रिफ्यूज़ल होता है टूवर्ड्स गोइंग दो सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ देन uh, ये बच्चे जो हैं आमतौर पर अनयूजल परसपचुअल एक्सपीरियंसिस जो हैं वो भी रिपोर्ट करते हैं अब इसका क्या मतलब है इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप उन्हें कहेंगे कि दे शुड स्लीप इन द सेपरेट रूम तो वो कहेंगे कि जी आ, मुझे यूँ लगता है जैसे कोई मॉन्स्टर मेरी तरफ आ रहा है या मुझे लगता है कि मेरे कमरे में कोई पीपिंग कर रहा है तो इस किस्म के जो अनयूजल परसपचुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो वो रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो ये भी जब बच्चा कोई रिपोर्ट करना शुरू करे तो यू नीड टू बी फाइंड आउट कि ये हलूसिनेशनस हैं या ये उसकी इमेजिनेशन है जिसके अंदर उसको यूँ फील होता है तो यू नीड टू बी क्लारीफाई दिस थिंग टू क्योंकि अगर हलूसिनेशनस की वजह से होगा तो डेफ़िनेटली वो सप्रेशन एनजाइटी डिसऑर्डर नहीं होगा दैन uh, इसी तरह ये कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं ये आमतौर पर डिमांडिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव होते हैं और इनको मुसलसल ये होता है के जो एडल्ट्स हैं वो इन्हीं की तरफ अटेंशन जो है वो पे करते रहें तो इसी वजह से कहा जाता है कि इनका क्लंगिंग बिहेवियर होता है इनकी डिपेंडेंसी जो होती है वो अपने पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा होती है और ये ये चाहते हैं कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो इन्हें ओवर प्रोटेक्ट करें और ये ऑलमोस्ट uh, एवरी काम जो है उसके लिए दे आर लुकिंग टू देयर पेरेंट तो दे एक्चुअली बिकॉज दे एक्चुअली कॉन्ट हैंडल देयर एनजाइटी टू गेट दैम सेल्फ अवे फ्राम दैम तो दैट्स वाई कि ये इनकी डिमांड जो है वो उनके साथ रहने की उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की उनकी अटेंशन ज़्यादा लेने की वो चीज़ इनके अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा होती है